नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टूडेंट चैनल पे। निगरानी ब्यूरो को शिक्षकों के सर्टिफिकेट प्रकरण में जांच जारी रखने का निर्देश। सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट ने दिया है आदेश। पढ़ते हैं पहले पूरा मामला क्या है, क्योंकि मामला संगीन है और संगीन मामले पूरे पढ़ने के बाद ही क्लियर होते हैं। तो पटना हाई कोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट जाँच के मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि जहां भी जांच आगे बढ़ी है और जालसाजी या धोखाधड़ी का पता चलता है वहां उचित कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने रंजित पंडित को लोकहित याचिका का निष्पादित करते हुए यह निर्णय दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार के फीडिंग से वर्ष 2006 से 2015 के बीच राज्य सरकार ने पंचायतों में नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां की हैं। इस दौरान कई फर्जी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर कई शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। खंडपीठ को बताया गया कि फर्जी प्रमाण पत्रों पर नियुक्त शिक्षकों को इस्तीफा देने और ऐसे शिक्षकों पर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश पर करीब 3000 शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अन्य के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। महाधिवक्ता पीके शहरी ने कोर्ट को बताया कि अब तक निगरानी ब्यूरो ने लगभग 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर लिया है। इनमें से करीब 2019 प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। पिछले 9 वर्षों में 2561 के विरुद्ध लगभग 1317 FIR दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि 1252 शिक्षकों का की सेवा को भी बर्खास्त कर दिया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि नियोजित शिक्षकों के करीब 3,52,927 फोल्डर मिलने थे, लेकिन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को केवल 2,80,000 के लगभग फोल्डर ही मिले हैं, जिसमें सितंबर 2023 तक करीब 8,30,237 प्रमाण पत्र थे। प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित बोर्डों विश्वविद्यालयों को भेजा गया है। करीब 5 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। इस प्रकार करीब 71% प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा चुका है। 2,157 प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि नियोजित शिक्षकों के करीब 5 लाख प्रमाण पत्रों से 4 लाख करीब का सत्यापन कर लिया गया है और 1 लाख करीब प्रमाण पत्रों तक का सत्यापन अभी लंबित है। कोर्ट ने गड़बड़ियों की जांच कर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आदेश देते हुए मामले को निष्पादित किया है। तो बहुत बड़ी खबर है। अगर कहीं भी जालसाजी है तो उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। वो बच्चे जो मेहनत कर एक सरकारी नौकरी के लिए लगे रहते हैं, जिनके पास घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन किस प्रकार से मेहनत करके उनके माँ बाप किस प्रकार से उनको पढ़ा लिखा के सोचते हैं कि कभी वो सरकारी नौकरी पाएंगे, लेकिन कुछ जालसाजों के पैसे के दम पर उन बिचारों का भविष्य ख़त्म हो जाता है। चलिए, जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन जिन्होंने गलत किया है उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि आगे के लिए एग्जाम्पल सेट हो और इस तरह की लोग करने से पहले 4 बार सोचें व डरें। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।